नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूँ आपके साथ मिली चौबे और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं न्यूज़ फॉर नेशन की फैमिली की तरफ से। तो आज नवरात्रि का सातवां दिन है, यानी कि सप्तमी है। आज के दिन माता रानी का पट खुल जाता है और सभी भक्तजन माता रानी की दर्शन के लिए जाते हैं। और आज से रोड पे, सड़कों पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि सारे पट खुल जाते हैं और इतना भव्य सजावट होता है कि लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस बार आप निश्चिंत होकर माता रानी का दर्शन कर सकते हैं और पंडाल की सजावट को देख सकते हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने अपनी कमर कस ली है। क्या है ये पूरी खबर आपको बताते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लोग निश्चिंत होकर माता के दर्शन करें, इसके लिए पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। सप्तमी से भीड़ बढ़ जाएगी, इसे देखते हुए एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने 1500 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को शहर में तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी भी अपने अपने इलाके में दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहेंगे। इसके लिए एसएसपी ने सभी पुलिस अफसरों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को सिविल यूनिफॉर्म में पहनकर नजर रखने के लिए कहा है। चप्पे चप्पर पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा। प्रमुख चौका, चौराहे, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अपराधियों को भी धर पकड़ के लिए वाहनों की चौकसी बढ़ा दी गई है। भीड़ में अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में भी पुलिस तैनात रहेगी। इसमें महिला पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। शहर में उमड़ने वाली भीड़ की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से भी की जाएगी। कंट्रोल रूम को 24 घंटे काम करने के आदेश दिए गए हैं। पंडालों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति घटना या हादसे की जानकारी डायल किए गए इस नंबर पर दे सकता है 100100। इससे पुलिस कर्मी को आप किसी भी अपराध का बता सकते हैं, अपराध के बारे में बता सकते हैं। आरएफएस के जवान भी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। घाटों पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेगी। दशहरा में पटना शहर की यातायात व्यवस्था को भी संभालने के लिए कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के कैंडिडेट भी लगाए जाएंगे। उसके 750 कैंडिडेट पूजा पंडालों के आस पास भी व्यवस्था देखेंगे और सड़कों पर उमड़ने वाली भीड़ को सही दिशा देने में ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करना होगा। कमान और जवान देही को लेकर विभिन्न वर्गों में कैंडिडेटों को बांटा जा रहा है और दबाव वाली जगहों पर उनकी प्रतिनियुक्त की जा रही है। कैंडिडेट दो पालियों में तैनात होंगे। दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडाल को आग से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को तैनात कर दिया गया है। इस दौरान फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मी पूरी तरह अलर्ट रहेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की जा चुकी हैं। पूजा के दौरान मुख्यालय सहित 10 फायर ब्रिगेड केंद्रों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रहेंगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को मौके पर रवाना किया जाएगा। आग लगने की स्थिति में तुरंत उस पर काबू पाया जा सके, इसके लिए पूजा समितियों को भी फायर ब्रिगेड के उपाय करने का निर्देश दिया गया है। आज से सप्तमी शुरू हो गया है और भक्तजन भी माता रानी का दर्शन करने जाएंगे, तो आप बेफिक्र होकर माता रानी का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अपनी कमर कस ली है और अपराधी भी तैनात हो जाए, क्योंकि इस बार सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।